अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MTS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के बोजागुटा इलाके में कॉर्डन सर्च मुहिम कुलसुमपुरा ACP जावेद और SHO गुड्डी मलकापुर मुजीब की निगरानी में चलाई गई। 100 से ज़्यादा पुलिस मैन और वुमेन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। कई टू व्हीलर जब्त किए गए जिनके नंबर प्लेट सही नहीं थे और इनके पास दुरुस्त दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। इस तलाशी मुहिम के दौरान इलीगल गैस फिलिंग पर भी FIR दर्ज किए गए। छोटे गैस सिलेंडर और बड़े गैस सिलेंडर को सीज किया गया। तलाशी मुहिम का मकसद रॉडीशीटर्स की काउंसलिंग, चोरी किए हुए गाड़ियां, चोरों के सरगर्मियां, गैर कानूनी अशिया की जांच है। इस तलाशी मुहिम के दौरान रॉडीशीटर सस्पेक्टेड रॉडीशीटर ऑफेंडर्स को भी हिरासत में लिया गया। बोजागुटा के इलाके में पुलिस ने आने वाले दोनों त्योहारात के इंतजाम के मुतालिक अवाम से तफसील हासिल किए और उनसे अपील की है कि कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी होने पर फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दे। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए MTS न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन लिमिट में गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन के अंडर बोजागुट्टा एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंडर पुलिस की तरफ से अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP कुलसुमपुरा जावेद और साथ में SHO गुड़ी मलकापुर मुजीब के अंडर लीडरशिप में यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंडर हमने पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर्स और साथ में जो मेन एंड कॉन्स्टेबल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए। आज यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में हमने जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है उस पर निशाना करते हुए हमने कुछ यहाँ पे एक्शन लिया है। इसके अंडर जो भी इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ व्हीकल्स थे और विदाउट नंबर प्लेट्स व्हीकल थे उन पर हमने एक्शन लेते हुए अराउंड 23 व्हीकल्स को हमने यहाँ पर सीज किया। और साथ में हमें सरप्राइजली यहाँ पे मिला कि एक घर के अंदर इलीगल गैस फिलिंग के बारे में यहाँ पे इलीगली चल रहा था। उसके अंदर टोटल हमने एक बड़ा गैस सिलेंडर और साथ में 12 छोटे स्मॉल सिलेंडर्स यहाँ पे हमने सीज किए। और इसके साथ में एक बेल्ट शॉप के बारे में भी इंफॉर्मेशन आते हुए हमने उस पर रेड किया। इसके अंदर टोटल 75 बॉटल्स हमने यहाँ पे सीज किए जो 25,000 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट बताया जा रहा है। और इसके अंदर हमने जो भी बोजागुट्टा के जो लोग थे उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। पुलिस की तरफ से हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पीसफुली मेंटेन किया जा सकता है इसके बारे में भी उनसे बात की। और सभी लोगों को बताया गया कि विदाउट वेरिफिकेशन कोई भी आदमी को हम यहाँ पे रेंटेड पे अपना घर ना दें, क्योंकि काफ़ी लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने घर में आके यहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसे क्रिमिनल को आप ना दें। और साथ में जो आने वाला जो मिलाद उन नबी फेस्टिवल है और गणेश फेस्टिवल है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो इसके अंदर मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, पूरे साउथ वेस्ट जोन के सारे लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी प्रॉपरली है पुलिस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो कीजिए और यहाँ पे पीसफुल और एक शांति तरीके से अमन की तरीके से हम यहाँ पे गणेश फेस्टिवल और मिलाद उन नबी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, इसमें आप मदद करें। थैंक यू ఎప్పుడు మావా మాట్లాడు।